नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे वर्ल्ड कप का 36वां T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 16 जून को खेले जाने वाला है। 8 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा सेंट्रल ब्रोवर्ड पार्क काउंटी यूएसए की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में रैंक एक वाला ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बना के चलना है, पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों कितने बैटिंग ऑर्डर आज के मैच में इंपॉर्टेंट होंगे, क्या दोस्तों बाबर आजम आज के मैच में फ्लोप हो सकता है या फिर दोस्तों रिजवान फ्लोप होगा, या फिर दोस्तों फकर जमान को सीवीसी ट्राई करके चलना है, इधर से दोस्तों आयरलैंड की टीम की तरफ से कितने ट्रंप प्लेयर आज के मैच में देखने को मिलेंगे, बॉलिंग सेक्शन की तरफ से सीवीसी ट्राई करके चलना है या फिर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीवीसी ट्राई करके चलना है, मिनी ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों किस प्रकार से होनी चाहिए, हेड टू हेड में दोस्तों कितने ट्रंप प्लेयर दोनों टीमों से देखने को मिलेंगे और यूनिक ग्रैंड लीग टीम दोस्तों आज के मैच की किस प्रकार से बनके तैयार होगी। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखते चलना। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लस में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में, सेंट्रल ब्रोवर्ड काउंटी की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक एसएल की टीम बना रहे हो या फिर जीएल की टीम बना रहे हो या फिर दोस्तों मिनी ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, तीनों फॉर्मेट में दोस्तों पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको कैप्टन ट्राई करके चलना है, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलना है और पिच के अनुसार ही दोस्तों आपको ट्रंप प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। तो पिच को दोस्तों अच्छे प्रकार से समझते हैं, पिच दोस्तों बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 15 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे दोस्तों यहां से आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे या फिर दोस्तों पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे, उसके विनिंग चांसेस दोस्तों काफी हाई चांसेस देखने को मिलेंगे विनिंग के। उसके बाद सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ओनली 4 ही मुकाबले विन किए हैं। एवरेज स्कोर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 167 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने बनाया था 245 रन का, सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड का है ओनली 81 रन पे ऑल आउट है। उसके साथ बॉलिंग की बात करेंगे, लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए थे उसमें दोस्तों पेसर्स को 34 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 31 विकेट मिली है, यानी कि पेसर्स भी परफॉर्मेंस करेंगे प्लस में दोस्तों स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पिनर्स के अकॉर्डिंग भी सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो और यहां से पेसर्स भी दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 3 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में भी 3 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 6 बार स्कोर है, 190 से ऊपर अभी तक दोस्तों इस पिच पर 3 ही बार स्कोर देखने को मिला है। अगर दोस्तों एक यूनिक ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उसमें आपकी टीम में पेसर्स भी होने चाहिए प्लस में दोस्तों स्पिनर्स भी होने चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स दोस्तों हर मैच में हमें ट्रंप प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेंट मैचों के बारे में, 2023 में यहां पर इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले गए थे जिसमें दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच में मैच खेला गया। यहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए मैच को विन किया, 4 विकेट स्पिनर्स को, 7 विकेट पेसर्स को। उसके बाद वेस्टइंडीज इंडिया के बीच में मुकाबला खेला गया, यहां पर दोस्तों सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ही मैच को विन किया था, 179 रन बना के 4 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में 2022 में मुकाबला खेला गया था, यहां पर दोस्तों इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का टारगेट रखा और मैच को भी विन किया जिसमें 11 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में 2022 में मुकाबला खेला गया, यहां पर दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए इंडिया की टीम ने 191 रन का टारगेट रखा, चेस करती हुई वेस्टइंडीज की टीम ओनली 132 रन पे ऑल आउट जिसमें 5 विकेट स्पिनर्स को, 9 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। रिसेंट के जो 4 T20 मैचेस खेले गए हैं 2023-2022 या फिर दोस्तों 2021 के जो आगे मुकाबले हैं उनके अकॉर्डिंग दोस्तों बात करें तो यहां पर 2 मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए हैं और 2 मुकाबले दोस्तों सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर विन किए हैं जिसमें दोस्तों पेसर्स को भी हेल्प मिल रही है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है, प्लस में दोस्तों बैटिंग ऑर्डर भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग कर रही है। यानी कि अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको ट्रंप प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, प्लस में दोस्तों यूनिक ग्रैंड लीग टीम में पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम प्लस में मोहम्मद रिजवान दोनों दोस्तों काफी बढ़िया चॉइस होंगे ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन प्लस वो इस कैप्टनसी में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में, सबसे सस्ती एप्लीकेशन प्लस में और सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर एप्लीकेशन जिसका नाम है दोस्तों रियल 11। अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जो कि दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर दोस्तों
अगर बात करें अदर फैंटेसी के मुकाबले जो एंट्री फीस चलती है दोस्तों, इस एप्लीकेशन पे आपको काफी लो एंट्री फीस देखने को मिल जाएगी। मतलब दोस्तों जो पहली एंट्री है इसमें भी दोस्तों आपके जो सेविंग हो रहे हैं 253 रुपए दोस्तों यहां पर आपके बच रहे हैं, प्लस में दोस्तों यहां पर आप ट्रेड करके भी कमा सकते हो। जैसे कि दोस्तों जो ये मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड के बीच में, तो दोस्तों मैच से पहले पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में मैच है, इसमें दोस्तों सिंपल सा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या दोस्तों पाकिस्तान आयरलैंड का जो मुकाबला खेले जाने वाला है इसमें दोस्तों पाकिस्तान की टीम मैच को विन करके जाएगी, यस या फिर दोस्तों नो पे क्लिक करके आप काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है, जो टीम दोस्तों टॉस को विन करेगी वो पहले बैटिंग करेगी या फिर बॉलिंग करेगी, इसमें भी दोस्तों आप यस नो पे क्लिक करके प्रॉफिट बना सकते हो। जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो दोस्तों हाईएस्ट स्कोर यहां पर 142 रन का करेगी या फिर नहीं करेगी, सिंपल दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिंपल आंसर है और तगड़ा प्रॉफिट दोस्तों आप रियल 11 एप्लीकेशन पे बना सकते हो। अगर दोस्तों आपको वर्ल्ड कप के मैचों में प्रॉफिट बनाना है तो आज ही दोस्तों डाउनलोड करें रियल 11 एप्लीकेशन। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि दोस्तों क्या भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 लीग विन करेगा, यस या फिर दोस्तों नो पे क्लिक करके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आप यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, क्या वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप लीग 2024 विन करेगा, इस पे भी दोस्तों आप यस या फिर नो पे क्लिक करके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हो। अपना ओपिनियन दोस्तों इस एप्लीकेशन पे जरूर दें, डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये सभी ऑफर दोस्तों आपके तब एक्टिव होंगे अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड किया है, प्लस में मेरा रेफर कूपन यूज किया है। तो फटाफट से दोस्तों आज ही डाउनलोड करें रियल 11 एप्लीकेशन। तो बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, दोनों टीमों के बीच दोस्तों लास्ट के जो 4 मुकाबले खेले गए हैं उसमें दोस्तों आयरलैंड की टीम ने हेड टू हेड में 1 मुकाबला विन किया है, पाकिस्तान की टीम ने 3 मुकाबले विन किए हैं। पाकिस्तान की टीम दोस्तों यूएसए के सामने हार के आ रही है, इंडिया के सामने दोस्तों मैच को हार के आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 में से दोस्तों 1 ही मुकाबला यहां पर अभी तक पाकिस्तान की टीम ने विन किया है, बाकी की दोस्तों यहां से आयरलैंड की तरफ से बात करें तो 2 मुकाबले दोस्तों इस टीम ने T20 वर्ल्ड कप के खेले हैं, जिसमें से 2 के 2 मुकाबले दोस्तों ये टीम हार चुकी है। रिसेंट के 5 में से 2 ही मुकाबले दोस्तों यहां पर विन करके आ रही है पाकिस्तान की टीम, रिसेंट के 5 में से 1 मुकाबला दोस्तों विन करके आ रही है, जो कि रिसेंट वाला मुकाबला इस टीम ने विन किया है। हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आयरलैंड की टीम कहीं आगे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो यहां पर दोस्तों यूएसए के सामने अगर ये टीम हार सकती है तो आयरलैंड के खिलाफ भी दोस्तों ये टीम हार सकती है, या फिर 50-50 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहां से दोस्तों आयरलैंड के जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको भी ट्राई करके चलना है। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों आयुब, उसके साथ रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान, शहदाब खान, इमाद वसीम, अफरीदी, उसके साथ हारी श्रॉफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी पाकिस्तान की टीम की तरफ से। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से खिलाड़ी ने रिसेंट के मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर सेम आयुब, रिसेंट के कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है, उसके बाद 14 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, उसके बाद 45 रन। हेड टू हेड में 3 मुकाबले खेले थे जिसमें 65 रन का परफॉर्मेंस किया, 21 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 22 मुकाबले खेल चुका है, 0 विकेट है और 14 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। अभी के लिए दोस्तों मैं आयुब को ड्रॉप ही करके चलूंगा, लेकिन दोस्तों पिच के अकॉर्डिंग बात करें तो एवरेज स्कोर काफी बढ़िया है, प्लस में दोस्तों ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो मेरा कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो रिजवान को दोस्तों जरूर कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलना है। रिसेंट में 53 रन नाबाद है, उसके बाद 31 रन 9 रन 23 रन 0 रन, हेड टू हेड में 3 मुकाबले, टोटल 132 रन, 66 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में काफी बढ़िया एवरेज स्कोर है, 49 का एवरेज स्कोर है। कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में दोस्तों रिजवान लगभग हाई सिलेक्शन में देखने को मिलेगा, प्लस में दोस्तों एक सेफ खिलाड़ी है। उसके साथ दोस्तों नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर बाबर आजम, जो कि रिसेंट वाले मैच में 33 रन 13 रन 44 रन 36 रन 32 रन, रिसेंट के हर मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी का बढ़िया परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में इसने भी 3 ही मुकाबले खेले हैं जिसमें 132 रन है, 44 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। ग्राउंड पे पहला मैच है, T20 में दोस्तों 40 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट के मैचों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये भी खिलाड़ी दोस्तों एक ही टीम में ड्रीम टीम में देखने को नहीं मिला था, बाकी के हर मैच में दोस्तों ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में है। तो ये भी दोस्तों नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 4 के बैटिंग ऑर्डर के बारे में, फखर जमान, रिसेंट में 4 रन 13 रन 11 रन 9 रन, फिर 45 रन, हेड टू हेड में 3 मुकाबलों में टोटल 98 रन है, 49 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड में पहला मैच है, T20 में दोस्तों खास एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का नहीं होता, लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही करके चलूंगा। लेकिन दोस्तों लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है,
क्योंकि इसकी जगह दोस्तों मैं ट्राई करने वाला हूं यहां से शहदाब खान को, क्योंकि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है, तो शायद आज के मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों यहां से शहदाब खान को ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि पिच पे दोस्तों स्पिनर्स को भी हेल्प मिलने वाली है। उस्मान खान विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट में 2 रन नाबा, 13-3-38 उसके बाद 31, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है T20 फॉर्मेट में, 9 मुकाबलों में टोटल 115 रन है, 16 का एवरेज स्कोर। अभी के लिए दोस्तों उस्मान खान को मैं ड्रॉप ही करने वाला हूं, इसकी जगह दोस्तों शहदाब खान को ट्राई करके चल सकते हो। रिसेंट में बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं है, उसके बाद 4 रन 40 रन 0 विकेट, उसके बाद फ्लॉप है कंटिन्यू, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें न तो दोस्तों बैटिंग से परफॉर्मेंस न ही बॉलिंग से, और वेन्यू पे पहला मैच है T20 फॉर्मेट में, 107 विकेट दोस्तों यहां पर शहदाब खान ने निकाली भी है, और अभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्लस में पिच के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग दोस्तों 4 ओवर आपको आज के मैच में शहदाब खान की तरफ से देखने को मिलेंगे, प्लस में दोस्तों परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इमाद वसीम भी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, रिसेंट वाले मैच में यह भी फ्लॉप है, उसके बाद 15 रन 0 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 1 रन नाबाद 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप है, हेड टू हेड में 3 मैचों में 2 विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच है T20 फॉर्मेट में, 70 विकेट है, 16 का एवरेज स्कोर, बैटिंग से है, एक्सपीरियंस बॉलर है, लगभग दोस्तों 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करेगा। इमाद वसीम को लेके चलना है, और स्पिनर्स दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इमाद वसीम आपको एक्सपीरियंस बॉलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शहदाब खान की बात करें तो यहां से इमाद वसीम से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस दोस्तों शहदाब खान के पास है, लेकिन रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों वो खिलाड़ी फ्लॉप है, एक ही मैच में दोस्तों उस खिलाड़ी ने विकेट नहीं निकाली है। उसके साथ दोस्तों अफरीदी रिसेंट में 1 विकेट, उसके बाद फिर से 1 विकेट, फिर कंटिन्यू फ्लॉप, उसके बाद 3 विकेट, हेड टू हेड में 7 विकेट, ग्राउंड पे पहला मैच T20 फॉर्मेट में 93 विकेट है, कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो अगर पाकिस्तान की टीम दोस्तों पहले बॉलिंग करवाती है तो। उसके साथ हरीश रौफ रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों परफॉर्मेंस है, सीवीसी में दोस्तों ये भी काफी तगड़ा चॉइस है, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है T20 फॉर्मेट में, 71 मैचों में 101 विकेट दोस्तों यहां पर हरीश रौफ ने निकाली हुई है। उसके साथ दोस्तों बात करें अगर नसीम शाह के बारे में, नसीम शाह दोस्तों रिसेंट में 1 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहां से 1 विकेट, हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले खेले थे जिसमें 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस है T20 फॉर्मेट में, 24 विकेट दोस्तों यहां से नसीम शाह के नाम है। तो हरीश रौफ प्लस में दोस्तों नसीम शाह, यहां से हरीश रौफ को दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर दोस्तों यहां से फाइनल बॉलर की बात करें, मोहम्मद आमिर जो कि कंटिन्यू दोस्तों 2-2 विकेट लेके आ रहा है, उसके बाद यहां पर 1 विकेट है, 3 मुकाबले दोस्तों इसने वर्ल्ड कप के रिसेंट में खेले हैं, और 3 मैचों में दोस्तों 5 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, हेड टू हेड में 3 ही मैच खेले हुए हैं जिसमें 3 विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच है, 69 विकेट दोस्तों निकाल चुका है टोटल T20 फॉर्मेट में। ये दोस्तों फाइनली आपको पाकिस्तान के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग करवाएगा, क्योंकि वहां से दोस्तों आपको सीवीसी चॉइस देखने को मिल जाएगी। तो यहां से दोस्तों स्टार्टिंग में अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, डेथ में दोस्तों यहां से नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिश रौफ और अफरीदी, ये 4 खिलाड़ी दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ये 3 खिलाड़ी दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हारिश रौफ काफी बढ़िया चॉइस है सीवीसी में, उससे बढ़िया चॉइस दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा अफरीदी, तो अफरीदी को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो, नहीं तो दोस्तों हारिश रौफ आपकी टीम में कैप्टन होना चाहिए अगर यहां से पाकिस्तान की टीम पहले दोस्तों बॉलिंग करवाती है तो। उसके साथ दोस्तों बेंच प्लेयरों की बात करें, टोटल 4 बेंच प्लेयर हैं, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, तो यहां से दोस्तों अब्बास अफरीदी अगर खेलता है जो कि रिसेंट के मैचों में 2-2 विकेट है, हेड टू हेड में 3 मैचों में 6 विकेट है, 9 मुकाबले दोस्तों T20 फॉर्मेट में, 16 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस कर चुका है, अगर दोस्तों बेंच प्लेयर में से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से प्लेयर बैटल के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों बाबर आजम 2 बार, यहां से क्रिक ग्योंग 1 बार दोस्तों यहां पर गुमान, ये टोटल दोस्तों 2 खिलाड़ी, एक बार यहां से गुमान, 2 बार दोस्तों क्रिक ग्योंग, ये टोटल दोस्तों 2-2, 1-1 बार आउट कर चुके हैं। रिजवान को दोस्तों ओनली 1 बार मार्क एडर आउट कर चुका है, फखर जमान को मार्क एडर और 1 बार दोस्तों बेन वोइट, और सैम आयुब को 1 बार मार्क एडर और 1 बार दोस्तों जॉर्ज डैनली, उसके साथ दोस्तों इफ्तकार अहमद को 1 बार मार्क एडर और आजम खान को 1 बार क्रिक ग्योंग, ये टोटल दोस्तों 6 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा। तो यहां से दोस्तों मार्क एडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ क्रिक ग्योंग, ये दोनों बॉलर दोस्तों आपकी टीम में होने चाहिए, प्लस में सीवीसी में दोस्तों यहां से क्रिक ग्योंग को भी ट्राई करके चल सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों आयरलैंड की, क्या आज की फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, यहां से दोस्तों कौन कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी को दोस्तों सीवीसी में ट्राई करके चलना है। ओपनिंग बैट्समैन स्टार्लिंग, एंडी बल्बी ने यहां पर टक्कर, फिर हैरी ट्रैक्टर, कार्टिस कैंपर, जॉर्ज डोकरेल, फिर यहां पर डेलनी, फिर मार्क एडर, बैरी एमसी कार्टी, उसके साथ जोसवा लिटल और क्रिक
योंग। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी आयरलैंड की टीम की तरफ से। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से रिसेंट के मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस है। सबसे पहले पॉल स्टार्लिंग रिसेंट के दो T20 वर्ल्ड कप मैचों में लगातार दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है। फिर 21, 36 और 32 हेड टू हेड में तीन मैचेस खेले हुए हैं, तीन के तीन मुकाबलों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है। ग्राउंड पे 36 रन है, T20 फॉर्मेट में दोस्तों 27 का एवरेज स्कोर है। 3600 रन दोस्तों यहां से पॉल स्टार्लिंग ने कंप्लीट किए हुए हैं। रिसेंट के मैचों में दोस्तों कंटिन्यू ये खिलाड़ी फ्लॉप चल रहा है। उसके साथ दोस्तों नंबर दो पे एंडी बलबीर ने रिसेंट में 17 रन, फिर 5 रन, 16 रन, 5 रन, फिर 56 रन, हेड टू हेड में तीन मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं। टोटल 128 रन है, 42 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे दोस्तों टोटल 14 रन बना चुका है, 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। एंडी बलबीर के पास दोस्तों काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है पिच का, प्लस में पाकिस्तान के अगेंस्ट किस प्रकार से बैटिंग करनी है, तो दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों लेके चलना है। उसके साथ दोस्तों यहां पर टक्कर की बात करें जो कि रिसेंट में 10-10 रन के साथ परफॉर्मेंस है, उसके बाद 11 रन, फिर 4 रन, उसके बाद 55 रन, हेड टू हेड में टोटल तीन ही मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने खेले थे। 128 रन है, 42 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे दो ही मुकाबले खेले हुए हैं, 141 रन दोस्तों यहां पर टक्कर ने पिच पे बनाए हुए हैं। यानी कि दोस्तों ये खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पिच के अकॉर्डिंग या फिर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग लगा लो, क्योंकि सभी फॉर्मेट में दोस्तों इस खिलाड़ी ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो सीवीसी में भी दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ हैरी ट्रैक्टर रिसेंट के मैचों में फ्लॉप, हेड टू हेड में 98 रन है, ग्राउंड पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 22 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों मैं हैरी ट्रैक्टर को ड्रॉप ही करके चलूंगा। उसके साथ दोस्तों कार्टी स्कैम्पर रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर 12 रन 0 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 37 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में तीन मुकाबले, टोटल 38 रन, 19 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 17 का एवरेज स्कोर, प्लस में 4 विकेट, T20 फॉर्मेट में 29 विकेट निकाल चुका है टोटल 55 मुकाबलों में, 21 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। कार्टी स्कैम्पर को दोस्तों रिसेंट के मैचों में एक भी विकेट देखने को नहीं मिली है, लेकिन पिच पे दो मुकाबले खेले थे जिसमें 4 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसके साथ जॉर्जे डोकरेल रिसेंट में 30 रन नाबाद, उसके बाद 3 रन, 17 रन, 53 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट, 4 रन नाबाद 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, T20 फॉर्मेट में 83 विकेट है, 19 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। लेकिन दोस्तों रिसेंट के T20 वर्ल्ड कप में एक भी ओवर दोस्तों इस खिलाड़ी ने नहीं करवाया है, तो शायद ही दोस्तों ये खिलाड़ी बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, लेकिन दोस्तों बैटिंग से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। रिसेंट में भी दोस्तों 30 रन नाबाद बना के आ रहा है। उसके साथ दोस्तों गार्थ डैनली रिसेंट में 3 रन, प्लस में 1 विकेट है, उसके बाद 26 रन, 4 रन, 0 विकेट, उसके बाद 2 रन, 1 विकेट, 1 रन नाबाद, 1 विकेट, 45 विकेट T20 फॉर्मेट में, दो मुकाबले दोस्तों हेड टू हेड में, 1 ही विकेट है, 38 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने हेड टू हेड में बनाए हुए हैं। गार्थ डैनली को दोस्तों ऑलराउंडर ऑप्शन में पिक करके चल सकते हो, क्योंकि इस खिलाड़ी की भी बैटिंग लगभग हाई चांसेज है कि देखने को मिल जाएगी, प्लस में दोस्तों ये खिलाड़ी आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा। उसके साथ दोस्तों मार्क एडर रिसेंट में 34 रन, प्लस में 1 विकेट, फिर 3 रन, 1 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 19 रन नाबाद, प्लस में 2 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, 121 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में, 14 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, हेड टू हेड में 3 ही मैचेस खेले हैं, 5 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 1 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है। ये भी दोस्तों सीवीसी में काफी बढ़िया चॉइस है। यहां से आयरलैंड की तरफ से दोस्तों मार्क एडर को कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ दोस्तों बैरी एमसी कार्टी जो कि रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करके आ रहा है, उसके बाद फ्लॉप है, फिर 2 विकेट, फिर कंटिन्यू फ्लॉप, तो शायद दोस्तों ये खिलाड़ी आज के मैच में 0 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करेगा। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 0 विकेट, ग्राउंड पे 4 विकेट, T20 फॉर्मेट में 53 विकेट टोटल 55 मैचों में। जोशुआ लिटल जो कि रिसेंट के 2 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, बाकी दोस्तों 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच, T20 फॉर्मेट में 78 विकेट यहां पर जोशुआ लिटल ने निकाली हुई है। बैरी एमसी कार्टी प्लस में जोशुआ लिटल दोनों के दोस्तों कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें तो यहां पर दोस्तों जोशुआ लिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्लस में दोस्तों ये खिलाड़ी लगभग 2 विकेट के साथ ही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस बॉलर जो कि आज के मैच में आप सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो, यहां पर क्रिक योंग रिसेंट में 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 75 विकेट T20 फॉर्मेट में, 65 मुकाबलों में, हेड टू हेड में 3 ही मैच खेले हुए हैं जिसमें 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस है। ये दोस्तों फाइनली आपको आयरलैंड के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन-कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग में दोस्तों मार्क एडर, जोशुआ लिटल, क्रिक योंग, उसके साथ बैरी एमसी कार्टी, डेथ में दोस्तों मार्क एडर, बैरी एमसी कार्टी, जोशुआ लिटल और क्रिक योंग, ये 4 खिलाड़ी दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों 4 खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों मार्क एडर प्लस में क्रिक योंग दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोशुआ लिटल करेगा तो दोस्तों 2 या फिर 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से आयरलैंड के जो फाइनली बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे, टोटल दोस्तों 4 बेंच प्लेयर हैं, जो कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से
टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर बैटल के बारे में। टोटल दोस्तों 6 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल है। पोल स्टार्लिंग को दोस्तों एक बार अफरीदी, एक बार नसीम शाह। बलबीरने को दोस्तों दो बार अफरीदी, एक बार अब्बास अफरीदी। उसके साथ दोस्तों टक्कर को दो बार अब्बास अफरीदी, एक बार इमाद वसीम। उसके साथ दोस्तों हैरी ट्रैक्टर को एक बार अब्बास अफरीदी, एक बार इमाद वसीम। कार्टिस कैंपर को एक बार अब्बास अफरीदी, एक बार मोहम्मद आमिर। जॉर्ज डोकरल को एक बार मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी दोस्तों खेलेगा तो कैप्टनसी में जरूर ट्राई करके चलना है, क्योंकि यहां से दोस्तों एक और दो और तीन चार पांच खिलाड़ियों को दोस्तों अब्बास अफरीदी एक एक बार दो दो बार आउट कर चुका है। तो यहां से दोस्तों अब्बास अफरीदी के लगभग लो सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, प्लस में कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनली फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी प्लस में ट्रंप प्लेयर खिलाड़ियों के बारे में। तो यहां से रिजवान, बाबर आजम, अफरीदी, नसीम शाह। यहां से दोस्तों गार डेलनी, मार्क आइडर, बैरी एमसी कार्टी, जोशुआ लिटल और ट्रंप प्लेयर में दोस्तों टक्कर, क्रिक योंग। ये टोटल दो खिलाड़ी दोस्तों आपको ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल सकते हैं। फकर जमान दोस्तों तभी परफॉर्मेंस करेगा अगर ओपनिंग बैट्समैन फ्लोप होगा। ओपनिंग मतलब दोस्तों मोहम्मद रिजवान और उसके साथ बाबर आजम अगर दोनों खिलाड़ी फ्लोप होते हैं तो ही दोस्तों फकर जमान की तरफ से 30-40 रन का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों ये खिलाड़ी आपको फ्लोप होते हुए भी नजर आएगा। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों यहां पर अपना ओपिनियन देके काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। अगर दोस्तों आपको T20 वर्ल्ड कप में कोई कुछ प्रॉफिट बना के निकलना है तो दोस्तों आज ही डाउनलोड कर लेना यहां से रियल 11 एप्लीकेशन। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेंड के जो क्वेश्चन चलते हैं, जैसे यहां पर ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है क्या भारत वर्ल्ड कप T20 लीग 2024 विन करेगा, यस या फिर दोस्तों 9 पे क्लिक करके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर अपना ओपिनियन दो और 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनाओ। तो आज ही दोस्तों डाउनलोड करें यहां पर रियल 11 एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी आज की क्या फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी। तो यहां से दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में रिजवान को ट्राई किया हुआ है। कैप्टनसी में दोस्तों यहां से हारिश रौफ देखने को मिलेगा। सेकंड टीम में दोस्तों कैप्टनसी हारिश विसी में दोस्तों यहां पर क्रिक योंग और कैप्टनसी में अफरीदी है, जोशुआ लिटल, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, बैरी एमसी कार्टी, हारिश रौफ, मार्क आइडर, एंडी बलबीरने, बाबर आजम और रिजवान। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने बना के रखा है। अगर दोस्तों हाई सिलेक्शन यहां से देखने को नहीं मिलेगा या फिर हाई रन यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे तो दोस्तों ये टीम हमारी वर्क करेगी, वरना यहां पर इस टीम के साथ भी दोस्तों यहां पर फाइनली ग्रैंड लीग प्लस मौलिक का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। क्रिक योंग दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी है, प्लस में मार्क आइडर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। बाकी अपडेट मैं आपको ग्रैंड लीग प्लस मौलिक की जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत बोला, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।